एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइज, एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज दिन है बृहस्पतिवार और डेट है 7 तारीख है आज, और नवरात्रों का 6वां। बस सो करके उठने के बाद झाड़ू अपने घर में लगा रही हूँ, और कहते हैं कि सबसे पहले सुबह उठते ही झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए घर में, और कभी भी नहाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, अपशगुन माना जाता है। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने के बाद अपने जो डेली के काम है वो सब करूंगी। अभी अक्षत आद्या सो रहे हैं, ये वॉक पर गए हैं, और हम दोनों जन में से एक ही जन वॉक पे जा पाते हैं, क्योंकि जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो सोते रहते हैं, और उसमें होता क्या है कि अगर ये चले गए तो फिर मैं नहीं जा पाती हूँ, और अगर मैं गई तो फिर ये नहीं जा पाते। तो आज इनका टर्न था, ये चले गए हैं वॉक पर, एंड मैं घर पर ही अपनी वॉक कर रही हूँ। तो हाउस वाइफ की वॉक यही है, डेली के जो काम होते हैं यहीं से उनकी वॉक भी शुरू हो जाती है। तो बस बाहर आ गई हूँ, और देख सकते भी उजाला तो हो गया है, लेकिन अभी बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही उजाला हुआ है, पूरी तरह से अभी उजाला भी नहीं हुआ है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैट पड़ी हुई थी, और मैट मैं अपने एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर रखती हूँ। तो जब मुझे सुबह मॉर्निंग में टाइम मिल गया तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है। आप लोग आद्या को बहुत सारा वीडियोस में प्यार देते हो, बहुत सारे विशेस देते हो, तो बहुत अच्छा लगता है, और सच में वो बहुत ही क्यूट भी है, तो बहुत प्यारी लगती है। और अभी इसके थोड़े थोड़े से बाल आने शुरू हो गए हैं, एंड मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी उसके वापस से वैसे वाले बाल आ जाएँ, और मैं उसकी अच्छी अच्छी पोनी बना सकूँ, ओपन हेयर रख सकूँ। और लड़कियों को ना जितना ही सजा करके रखो ना उतना ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने गर्म पानी किया हुआ है, और बैठ करके गर्म पानी पी रही हूँ यहाँ पर, और पानी मुझे ना बहुत सुकून से पीना पसंद है, पानी और चाय, उसमें मुझे किसी का कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होता है। तो मैं आराम से यहाँ पर बैठ करके पानी अपना पी रही हूँ, और गर्म पानी पीने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी ना वैसे वैसे गर्म पानी से और भी ज़्यादा दूर भागने का मन करता है, लेकिन गर्म पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मॉर्निंग में एक ग्लास गर्म पानी तो कंपलसरी है, पीना ही चाहिए। तो अभी आप लोग आगे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह हो चुकी है, तो अभी यहाँ पे ना सुबह सुबह काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मैं बालकनी में आ गई हूँ, और जो बर्ड्स होती है ना उनकी चहचहाने की आवाज़ सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है सुनने में, जब कानों में पड़ती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि, और होता भी है ना कि नेचुरल चीज़ों की बात ही अलग हो जाती है। और आज हवा अच्छी खासी चल रही, थोड़ी सी ठंड लग रही सुबह सुबह से। यहाँ पे मैं नीचे आ गई हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, देख सकते हो कनेल के फूल हैं, तो पूजा के लिए अच्छे खासे फूल यहाँ पर मिल जाते हैं। तो बस मैं यहाँ से आके पूजा के लिए फूल ले रही हूँ। बढ़िया है ना, जिस जगह पे रहो और वहाँ पे अगर पूजा के लिए फूल भी मिल जाए तो इससे यहाँ अच्छा पर क्या होगा। दीपक जलाने के लिए जो बत्ती है वो मेरे पूजा घर में नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो मैं जो है यहाँ पर बत्ती जो है वो भिगो रही हूँ घी डाल करके इस तरीके से। तो बत्तियों को मैं घी में डिप कर लूँगी, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा घी डाल करके फिर दीपक जलाया करूँगी, और उसके बाद मैं किचन, आज मैं बनाने वाली हूँ हरे चने का निमोना, और हरे चने का निमोना मेरे ननिहाल में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, वहीं ज़्यादा बनाया जाता है। तो हरे चने का निमोना बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है, तेल अच्छे से हो चुका
चुका है, जीरा डाल देंगे, वड़ी डाल देंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे और लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है जो कि मैंने दरदरा ही पीसा हुआ था उसको डाल देंगे और अच्छे से पकने देंगे। लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा। उसमें मैं थोड़े से मोटे कट आलू के जो पीसेस हैं, बहुत पतले नहीं काटने, थोड़े से मोटे रखने हैं, तो मोटे मोटे आलू के पीसेस मैंने कट किए हैं और इनको भी फ्राई कर लेंगे तेल में ही। और जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद ये मैंने चना जो छील करके रखे हुए थे उनको पीस लिया है और पीसने के बाद इसको भी हमको लगातार चलाते रहना है और तब तक फ्राई करना है जब तक पूरी तरह से इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो देख सकते हो मैं लगी हुई हूँ और धीरे 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 धीरे, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट चने का निमोना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और मेरी मम्मी तो बहुत अच्छा बनाती हैं, तो बस मुझे उनके हाथ का ही पसंद है। और मैं शायद सेकेंड टाइम चने का निमोना बनाने जा रही हूँ। मटर का तो बहुत बार बनाया है लेकिन चने का बहुत कम बनाया है। बाद में सारे मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सब कुछ डाल देंगे और कुछ इस तरीके का देख सकते हो गाढ़ा गाढ़ा निमोना बन करके रेडी हुआ है। और उसके बाद अभी हो रहा है शाम का टाइम, मैंने कोई भी ब्लॉग उसके बाद नहीं शूट किया है, शाम का टाइम है और देख सकते हो बच्चा पार्टी नीचे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और शाम को ना बच्चों को बिल्कुल ऊपर रहने का मन नहीं करता है और ये सब नीचे भागने की तैयारी में रहते हैं, तो बस मैं को लेकर के थोड़ा सा प्लॉट में घुमाने लेकर के जाऊंगी और थोड़ी देर वहां पर खेल भी लेंगे क्योंकि आस पड़ोस में और भी बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़ा मस्ती कर लेंगे। आज कार पापा हटाए नहीं है, यहाँ धूप में ही खड़ी है, इतनी तेज धूप है। रुक जाओ रुक जाओ अक्षत। आज कार इन्होंने हटाई भी नहीं है, ऐसे ही खड़ी हुई है। तो भी नीचे आ गए हैं और देखते हैं क्या काम हो रहा है प्लॉट में। हमारी गोलगप्पा पार्टी और हम और मेरी फ्रेंड, नहीं फ्रेंड, हमारी लैंडलॉर्ड भी, हमारी फ्रेंड भी, दोनों हाय कर रही है। तो हम लोग अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई है तो अब हम लोग साथ में यहाँ पे गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए आधे से ज्यादा बच्चे फिनिश हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, मैंने तब शुरू किया, पहले खाने में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि कुछ बनाया नहीं, कुछ सोच ही नहीं किया। बहुत बढ़िया, लेकिन खट्टा पानी है ना, लोग दे दिया जा रहा है। अरे ये है इसमें, अरे तो वो है इसी में डाल कटोरी में। हम लोग लास्ट बताशा चेयर्स करते हुए, हाँ लास्ट बताशा है ये। तो ये होता है और फैमिली के साथ एंजॉय करने का, और घर से भी दूर है लेकिन एकदम फैमिली वाली फीलिंग आ रही है, बड़ा मस्त लग रहा है। और मैं जहाँ भी गई हूँ मेरा बहुत अच्छा गुड लक रहा है, मुझे लोग बहुत अच्छे मिले हैं, तो ये भी अच्छी बात है। ये देखो ये हमारी देखो, अनिका है, क्यूट सी इनकी बेटी अनिका। हाय 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 हाय, सबसे कर लो कहो आ जाओ पार्टी कर लो। वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, देखो कैसे हाथ जोड़ लिया इसने। अच्छा मजा आया गोलगप्पा खा के बहुत, तो चलो फिर सोते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक छुपा टैलेंट होता है। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है टाइम 7:30 का और ये ऑफ़िस से आ चुके हैं और भाई साहब भी ऑफ़िस से आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग थोड़े से बैठे हुए हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं क्योंकि जब से हम आए हैं हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम आपस में बात कर सकें, मिलजुल सकें। और साथ ही साथ हम पड़ोसी भी हैं तो उसकी वजह से हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन बॉन्डिंग बन गई है और बहुत अच्छा लगता है। प्रिया दीदी का भी नेचर बहुत अच्छा है, तो हम सब नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ अलग ही होने वाला है अभी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ढोलक कंपटीशन होने वाला है। एक्चुअली भाई साहब भी बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं एंड पति देव का हिडन टैलेंट तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं है, तो ये भी ढोलक बहुत अच्छी बजाते हैं बट बहुत कम बजाते हैं, बहुत कहने पर बजाते हैं और कभी कभी बजाते हैं। तो आज मैं आपको अपने हस्बैंड जी की ढोलक सुनवाऊँगी। मेरी ढोलक तो आपने मेरे जब मैंने गाने के वीडियो डाले थे तब आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं बजा पाती इनके सामने लेकिन ये बहुत अच्छी बजाते हैं। तो अभी आप लोग इंजॉय करिए इनकी ढोलक और मेरा गीत।